अगर इन जनरल इसको डिस्कशन करेंगे तो ये जो टू टाइप का जो नक्षत्र का स्कीम है ये एक्चुअली सप्तलोक को डिफाइन करता है। हम लोगों को पता है जैसे कि गायत्री मंत्र में बताया गया है, भूः भुवः स्वः मः जनः तपः सत्यः, तो ये 7 सप्तलोक है वहां से। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग मानस नक्षत्र के बारे में डिस्कशन करेंगे। मानस नक्षत्र क्या है, हमको उसको कैसे प्रेडिक्शन में यूज करना है या कैसे उसको यूज करना है, वो वाला चीज आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर दैट, हम लोगों को पता है कि देर आर टू नक्षत्र स्कीम्स। या एक स्कीम में आप देखोगे 27 नक्षत्र है, दूसरा स्कीम में 28 नक्षत्र है। तो एक्चुअली उन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? तो पहला डिफरेंस सबको पता है जो कि अभिजीत नक्षत्र है। 27 जो नक्षत्र स्कीम है वहां पर अभिजीत नक्षत्र नहीं लिया जाता है, वेयर इज 28 जो नक्षत्र है वहां पर हम अभिजीत नक्षत्र को लेते हैं, ठीक है। बट अगर इन जनरल इसको डिस्कशन करेंगे तो ये जो टू टाइप का जो नक्षत्र का स्कीम है ये एक्चुअली सप्तलोक को डिफाइन करता है। हम लोगों को पता है जैसे कि गायत्री मंत्र में बताया गया है, भूः भुवः स्वः मः जनः तपः सत्यः, तो ये 7 सप्तलोक है। वहां से आप अपना जो आई है, हमारा जो ह्यूमन आई है, वहां पर हम 3 लोक को देख सकते हैं, भूलोक भुवलोक एंड स्वहलोक, ठीक है। ये जो 3 लोक को देख सकते हैं ये वाला 27 नक्षत्र स्कीम है। 27 नक्षत्र स्कीम में फर्स्ट 9 नक्षत्र भूलोक को रिप्रेजेंट करता है, नेक्स्ट 9 नक्षत्र भूलोक को रिप्रेजेंट करता है, एंड लास्ट 9 नक्षत्र स्वर्ग स्वर्ग लोक को डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये पहला है 27 नक्षत्र स्कीम, जिससे हम भूः भुवः स्वः जो हमारा अपना ह्यूमन आई को यूज करके देख सकते हैं वो वाला चीज है। सेकंड जो स्कीम है 28 नक्षत्र वो डिफाइन करता है मह जनह तपह सत्य सत्यलोक। यहां पर आप देखिए 28 नक्षत्र का स्कीम है, 7 × 4 = 28 नक्षत्र। आप देखोगे भूः भुवः स्वः ये जो 3 लोग हम ह्यूमन आई से देख सकते हैं, बाकी जो अपर 4 लोक हो गया जो है भू भुवः स्वः मह जनह तपह सत्यः, ये जो 4 लोक हो गया इसके लिए स्पिरिचुअल आई चाहिए। आप देखोगे सर्वत्र भद्र जो चक्र बनाते हैं वहां पर वही है, आप 28 नक्षत्र स्कीम को यूज करते हो, 7 × 4 = 28 नक्षत्र स्कीम को हम वहां पर यूज करते हैं। 27 नक्षत्र स्कीम एंड 28 नक्षत्र स्कीम, जो हमारा स्पेशल तारा भी निकालते हैं जन्म नक्षत्र को लेके। जन्म नक्षत्र को हम नॉर्मली बोलते हैं जन्म तारा, ठीक है। उसी तरह जैसे कि जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, इसका जो जन्म नक्षत्र का बहुत सारा तारा है वहां पर आप देखोगे कि मानस नक्षत्र है जिसको हम मानस तारा बोलते हैं, ये 28 नक्षत्र स्कीम का है। आप देखोगे 27 नक्षत्र स्कीम का ये नहीं है, ये 28 नक्षत्र स्कीम का है। 28 नक्षत्र स्कीम का ये मानस तारा है, मतलब जन्म नक्षत्र का 28 नक्षत्र स्कीम में आप देखोगे 25th नक्षत्र जो है वो है मानस तारा, वो आपका माइंड को कंट्रोल करता है, ठीक है। 28 नक्षत्र स्कीम में आप 25th नक्षत्र जन्म नक्षत्र से लेके चलोगे तो जो नक्षत्र आएगा वो है आपका मानस नक्षत्र। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हमको कैसे यूज करना है। पहले मानस नक्षत्र कैसे निकालते हैं उसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए मान लीजिए किसी का जन्म नक्षत्र है पूर्वाषाढ़, ये हो गया जन्म नक्षत्र। देन 28th नक्षत्र होगा मूला, 27th होगा ज्येष्ठा, ठीक है। 26th होगा क्या, अनुराधा। 25th होगा विशाखा। तो विशाखा नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का 25th नक्षत्र है,
तो विशाखा नक्षत्र हो गया मानस नक्षत्र। ये वाला पहला चीज है। आप जो भी है आपका जो भी नक्षत्र का नक्षत्र है, जैसे कि अश्विनी नक्षत्र अगर लेंगे तो अश्विनी हो गया जन्म, उसका रेवती हो गया 28, देन उत्तरा भाद्रपद हो गया 27, पूर्वा भाद्रपद हो गया 26, सत्यविशा नक्षत्र हो गया 25। अगर आप अश्विनी को पकड़ोगे, अश्विनी हो गया जन्म, 28 इज रेवती, 27 इज उत्तरा भाद्रपद, 26 इज पूर्वा भाद्रपद, 25 इज सप्तविशा, सप्तविशा नक्षत्र उसका 25। मानस नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र का है सप्तविशा नक्षत्र। इसी तरह आपका जन्म नक्षत्र को लीजिए, आप यहां पर 28 नक्षत्र का स्कीम लीजिए, वहां पर आप को अभिजीत को भी इंक्लूड करना है, एंड वहां पर आप ये स्कीम को लेके आपको देखना है आपका जन्म नक्षत्र का 25th नक्षत्र कौन सा नक्षत्र है। ये हो गया आपको कैसे आपका मनस नक्षत्र आप उसको निकाल सकते हो, उसके बाद उसको हमको कैसे यूज करना है। देखिए मानस नक्षत्र हमेशा माइंड को डिफाइन करता है। अगर हम देखते हैं हमारा नॉर्मल लाइफ में बीच बीच में कुछ दिन तक हम देखेंगे हमारा माइंड बहुत ही एजिटेटेड हो जाता है, बहुत ही आप बोल सकते हो गर्म हो जाता है, हम बहुत हाइपर हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं आप देखिए, जिस पीरियड में आपका माइंड बने जैसे कि बहुत ही एजिटेटेड या हाइपर हो जाता है, वहां पर आपका 25th नक्षत्र में कौन सा प्लैनेट का ट्रांजिट है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ट्रांजिट चार्ट में वो नक्षत्र में कौन सा प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है, एंड वो प्लैनेट अगर फायरी प्लैनेट है तो वो आपका माइंड को बहुत ही एजिटेट कराएगा। जैसे कि सन फायरी प्लैनेट है, मार्स फायरी प्लैनेट है, केतु फायरी प्लैनेट, मेनली ये तीन प्लैनेट सन मार्स एंड केतु, ये प्लैनेट का ट्रांजिट आपका मानस नक्षत्र के ऊपर होगा तो आपका माइंड बहुत ही एजिटेटेड हो जाएगा। सिंपल सा टेक्निक है, आपका जिस ड्यूरेशन में आप यू आर मतलब आपको लगता है आप बहुत हाइपर हो जा रहे हो, आपका एग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ही एंग्रीली बिहेव करते हो, वो टाइम में देखिए आपका मानस नक्षत्र में कौन सा प्लैनेट का ट्रांजिट है, सन का ट्रांजिट है या जैसे कि सन का ट्रांजिट है या मार्स का ट्रांजिट है या केतु का ट्रांजिट है। ये तीन प्लैनेट का ट्रांजिट मानस नक्षत्र में आपका माइंड को जैसे कि वोलेटाइल कर देगा, आप बहुत ही शॉर्ट टेम्पर एंगर टाइप का बन जाओगे। कितना कूल आदमी होगा बट उस टाइम में वो बहुत मतलब जैसे कि एंग्रीली बिहेव करेगा, वो तो ठीक नहीं है, बट वो ट्रांजिट का इफेक्ट है। आप हमेशा उस टाइम में अगर कोई आदमी आपको इस तरह से बिहेव करता है, उसका चार्ट अगर आपको मिलता है, देखिए मानस नक्षत्र में कौन सा प्लैनेट का ट्रांजिट है, अगर सन या मार्स या केतु का ट्रांजिट होगा तो डेफिनेटली ये इफेक्ट उसकी वजह से है। सिंपल सा टेक्निक है, आप अपना चार्ट में यूज करके देखिए। जैसे कि अभी सन अश्विनी नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है तो अश्विनी नक्षत्र किसका 25th नक्षत्र है देखिए। जैसे कि मान लीजिए मृगशिरा नक्षत्र को पकड़ेंगे, मृगशिरा हो गया जन्म, देन रोहिणी हो गया 28, 27 हो गया कृतिका, 26th हो गया भारिणी, 25th हो गया अश्विनी। तो मृगशिरा नक्षत्र जिसका जन्म नक्षत्र है उनका 25th नक्षत्र में सन का ट्रांजिट है 13 डेज के लिए। ये 13 डेज के लिए उसका देखोगे माइंड बहुत ही गर्म रहेगा। तो मान लीजिए आप देख लिए आपका कोई एक फायरी प्लैनेट वो मानस नक्षत्र में उसका ट्रांजिट है, तो उसके लिए रिमेडी क्या है। मानस नक्षत्र में अगर किसी का देख रहे हो कि एक फायरी प्लैनेट का ट्रांजिट है तो उसके लिए रिमेडी क्या है, उसके लिए रिमेडी यही है, अगर सन का ट्रांजिट है तो आप जाके लॉर्ड शिव जी को पानी चढ़ाइए, ओम जुम सह या ओम रौम नमः मल्लिकार्जुनाय, अपना ज्योतिर्लिंग का जो भी मंत्र है उसके हिसाब से आप पानी चढ़ाइए। ये पहला है, सन अगर आपका मानस नक्षत्र में ट्रांजिट है उसके हिसाब से आपका मान लीजिए माइंड बहुत ही गर्म है, एजिटेटेड है, तो उसके लिए आपको लॉर्ड शिव जी को पानी चढ़ाना है, ओम जुम सह
ओ या जे कौन मान लीजिए कोई भी मंत्र यूज करके, आपका आत्मा कारक का मंत्र हो गया, नमः शिवाय करके भी डाल सकते हो। किसी भी मंत्र से आप लॉर्ड शिव जी को पानी चढ़ाइए। पानी चढ़ाने से सन का ट्रांजिट जो मानस नक्षत्र में है वो शांत हो जाएगा। अगर मार्स का ट्रांजिट है तो आपको लॉर्ड शिव जी के लिंग के ऊपर घर्षण करना पड़ेगा, मतलब दधि दधि स्पेशली दधि चढ़ाना पड़ेगा उसको। आप देखोगे रुद्राभिषेक में एक नवनीत घर्षण है, वो घर्षण करना पड़ेगा। स्पेशली इट इज बींग डॉन विथ कर्ण, आपको दधि के साथ वो किया जाता है सद्योजात मंत्र से। तो इसलिए आप सिंपली अगर कुछ भी नहीं पता है तो आप लॉर्ड शिव जी के ऊपर दधि चढ़ाइए, कर चढ़ाइए। तब मार्स का ट्रांजिट की वजह से जो हीट आपका मानस नक्षत्र में जनरेट, माने मास मानस नक्षत्र में अगर आपका ट्रांजिट कर रहा है तो उसकी वजह से जो हीट जनरेट होता है वो इसके थ्रू वो नॉलीफाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए केतु का ट्रांजिट है, केतु का ट्रांजिट होगा तो वो ये जो लॉर्ड शिव जी के ऊपर पानी चढ़ाना या कर चढ़ाना इससे वो काम नहीं करेगा। इसके लिए आप लॉर्ड जगन्नाथ जी का, जैसे कि जो राज प्रसाद बनता है, भगवान जी को आप चावल का भोग लगा के उसको खाइए। उससे आपका जो केतु का जो जो हीट जनरेट करता है केतु, वो वाला चीज शांत हो जाएगा। तो अगर सन का ट्रांजिट है तो लव शिव जी के ऊपर पानी चढ़ाइए। अगर मार्स का ट्रांजिट है तो आप कर चढ़ा सकते हो। अगर केतु का ट्रांजिट है तो भगवान जी को आप राइस का प्रसाद लगा के उसको खाइए। ये खाने से आपका केतु का जो मानस नक्षत्र के ट्रांजिट से जो हीट जनरेट होता है वो ठंडा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था मानस नक्षत्र के ऊपर किसी एक फायरी प्लैनेट का ट्रांजिट, उसकी वजह से आपका जो एजिटेशन कैसे बढ़ता है वो वाला चीज, एंड उसका रिमेडियल पार्ट। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।